हाय गाइस, एक भाई ने मुझसे पूछा कि क्या हमें सैमसंग गैलेक्सी S22 खरीदना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर मैं अपना स्ट्रेट अवे आंसर बता देता हूँ। अगर आप एक सेकेंडरी फ़ोन देख रहे हो तो यह ये वाला फ़ोन के साथ जा सकते हो। आपको एक अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए आपके हाथ में और एक सेकेंडरी फ़ोन चाहिए तो इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक फ्लैगशिप लेवल कैमरा देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप सिर्फ फोटोज़ लेने के लिए ये फ़ोन को खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, क्योंकि इससे अच्छा फोटो क्वालिटी आपको कोई भी 50,000 के अंदर कोई भी फोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसा वाला कैमरा क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन कैमरा हो, वाइड एंगल हो, टेलीफोटो लेंस हो या फ्रंट कैमरा हो, फ्लैगशिप लेवल कैमरा क्वालिटी देगा आपको। मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला फ़ोन आप सेकेंडरी फ़ोन होकर यूज़ करो, यहाँ पर आप मेन फ़ोन होकर इसे यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 प्रोसेसर मिलता है। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पर वैसा ही हीटिंग इशू भी है ये प्रोसेसर में और बैटरी ड्रेनिंग इशू भी है ये प्रोसेसर में। और यहाँ पर ये फ़ोन में आपको सिर्फ 3700 mAh का बैटरी मिलता है। तो 3700 mAh और 8 Gen 1 का प्रोसेसर है, तो यहाँ पर आपको एक दिन में 3 बार चार्ज करना ही पड़ेगा ये वाला फ़ोन को। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो भी आपको 2 बार एक दिन में चार्ज करना ही पड़ेगा ये वाला फ़ोन को। और अगर आप गर्मी के मौसम में इसे यूज़ करते हो तो यहाँ पर ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक कॉम्पैक्ट फ़ोन है और हीट डिसिपेशन के लिए यहाँ पर जगह भी नहीं है ये फ़ोन में, और 8 Gen 1 का प्रोसेसर दिया गया है। तो अगर गर्म होगा तो यहाँ पर बैटरी ड्रेन भी होगा। तो यहाँ पर अगर आपको एक अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए तो यहाँ पर ये वाला फ़ोन खरीद सकते हो, लेकिन डे टू डे टास्क में अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन बैटरी ड्रेन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये वाला फ़ोन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप सेकेंडरी फ़ोन होकर यूज़ करना चाहते हो तो ये वाला फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। धन्यवाद।